इस प्रोग्राम के प्रायोजक है BIS हॉलमार्क चंडीगढ़। चल भाई। चलो आंटी। बड़ा बाजार। बड़ा बाजार? हाँ, सोने के कंगन खरीदने। तो यहीं से ले लो। हाँ हाँ, हॉलमार्क की गारंटी का सोना तू ही तो देगा। तो सुनार दे देगा, सिर्फ 35 रुपए लगते हैं। सच्ची? उच्ची। सच्चे सोने की गारंटी के लिए हॉलमार्क जरूरी है सिर्फ 35 रुपए पर पीस में किसी भी BIS रजिस्टर्ड सोनार से। हॉलमार्क है तो सोना है। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? सोलाने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और चंडीगढ़ आजकल देख रहे सारे व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयां। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ चंडीगढ़ में पिछले सप्ताह। रेड बिशप कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 पंचकुला में अटल भूजल योजना के तहत लाइन विभागों का एक राज्य स्तरीय परीक्षण आयोजित किया गया। परीक्षण का उद्घाटन इंजीनियर इन चीफ डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान ने किया। रेड बिशप कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 पंचकुला में अटल भूजल योजना के तहत लाइन विभागों का एक राज्य स्तरीय परीक्षण आयोजित किया गया। परीक्षण का उद्घाटन इंजीनियर इन चीफ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान ने किया। लाइन विभागों के 50 से अधिक अधिकारियों ने इस परीक्षण में भाग लिया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को अटल भूजल योजना अभिसरण के दायरे और इस योजना के तहत मापने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाना है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रमोद चंद अधीक्षण अभियंता राज्य यूनिट सिंचाई विभाग ने बताया कि अटल भूजल योजना हरियाणा के 14 जिलों के 36 ब्लॉक में 1656 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है। अटल भूजल योजना हरियाणा में 14 जिलों में 36 ब्लॉक में चल रही है। 142 ब्लॉकों में से 36 ब्लॉक, जो ब्लॉक में भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है, उसमें भारत सरकार ने ये योजना चलाई थी, अटल भूजल योजना। इस योजना का मेन उद्देश्य है कि जो गिरता भूजल स्तर है उसको रोकें, ताकि आने वाले टाइम में भूजल की जो ये दयनीय स्थिति बनी हुई है उसको रोका जा सके। और ये हमारे 1656 गांवों में पूरे हरियाणा में चल रही है 14 यूनिट्स में। तो स्टेट यूनिट की तरफ से आज ये एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय DIC साहब ने किया था। इस कार्यशाला में हमने अपने इरीगेशन डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, पॉन्स डिपार्टमेंट के और वेरियस डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया हुआ है, जो जिनका इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन है। आज की वर्कशॉप में जो मेन फोकस किया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मेरा पानी मेरी विरासत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की स्कीम है, इसके अलावा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसके अलावा हैप्पी सीडर सुपर सीडर लेजर लेवलिंग मशीन, इसके अलावा मिकाडा का माइक्रो इरीगेशन, पब्लिक हेल्थ का ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी के अंडर जो हम वेस्ट वाटर ट्रीट करके यूसेज करते हैं एग्रीकल्चर में, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की कुछ स्कीम्स हैं जिसपे हमने फोकस किया है। हमने इस कार्यशाला में एक सेंस ऑफ ओनरशिप सीखी है कि यहाँ हमें मिलकर इस भूजल को बचाना है, इसमें सभी विभागों की अहम भूमिका है, वो आज हमने यहाँ पे पहचानी है और हमें यहाँ पे अवेयरनेस फैलानी है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी है कि ये जो भूजल है, ये गिरता भूजल हमें रोकना है। पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित
इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हमारे शहर में वर्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 400 से अधिक विद्यार्थियों और कलाकारों ने भाग लिया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हमारे शहर में वर्षा विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कुल 400 से अधिक विद्यार्थियों तथा कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अध्यक्ष पीके दास द्वारा की गई। इस अवसर पर हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अध्यक्ष पीके दास ने कहा कि वर्षा ऋतु हम सभी के लिए काफी उत्साहवर्धक होती है। हमारा शहर जो है सिर्फ ब्रिक और मोटर सीमेंट और कंक्रीट का शहर नहीं होना चाहिए, इस शहर में जान होना चाहिए। और जान कैसे होता है, जब लोग आपस में मिलते हैं, कला संस्कृति का बढ़ावा होता है, उससे हमारी जो सभ्यता है वो परिपुष्ट होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हम आयोजन करते हैं। ये जो वर्षा ऋतु है, ये ऋतु चक्र का एक महत्वपूर्ण ऋतु वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में हर कोई इसको एंजॉय करता है। वो हमारे बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं, उनके जो एंजॉयमेंट है उसको क्रिएटिविटी में बदल के देखने के लिए एक मौका देने के लिए हमने किया। और ये हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चे हो बड़े हो, शहर में हर वक्त कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, ताकि बच्चों का एक क्रिएटिविटी अभिव्यक्ति का जो एक विकास होना चाहिए वो होता रहे। पावर यूटिलिटीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पंचकूला और शहरी विकास परिषद हमारे इनके संयुक्त तत्वावधान में बच्चों की ये बहुत अच्छी कलाकृतियाँ देखने का मौका मिला। सभी बच्चे बड़े प्यार से मंत्रमुग्ध होकर बना रहे हैं और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, जिसके साथ ही मेरे ख्याल में कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी इस तरह की पेंटिंग करने वाले का मन मचल जाता है कि मैं कुछ बनाऊं। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। विद्यार्थियों के इसी उत्साह को क्रिएटिविटी में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के आयोजनों से सामाजिक सद्भाव के साथ साथ कला एवं संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। मैंने आज क्या बोलते हैं एक रात है जिसमें मतलब मैंने ट्रीज बनाए हैं, मैंने मून बनाया है, तो मेरे को पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बाकियों ने भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है। चल भाई, बात मत कर, तो बात आज तो शादी पे जाना है। बड़ा जच रही हो आंटी आज तो। ये देख, ये हार ना मेरा बेटा लाया है दुबई से। पर हॉलमार्क के निशान वाला अगर वो यहीं से लेता तो भी शुद्ध सोना मिलता। हाँ, तुझे बड़ा पता है, सबको पता है। सिर्फ हॉलमार्क देता है शुद्ध सोने की गारंटी। हॉलमार्क है तो सोना है। चल भाई। चलो आंटी। बड़ा बाजार। बड़ा बाजार? हाँ, सोने के कंगन खरीदने। तो यहीं से ले लो। हाँ हाँ, हॉलमार्क की गारंटी का सोना तू ही तो देगा। तू सुनार दे देगा, सिर्फ 3500 रुपए लगते हैं। सच्ची? सच्ची। सच्चे सोने की गारंटी के लिए हॉलमार्क जरूरी है सिर्फ 3500 रुपए पर पीस में किसी भी BIS रजिस्टर्ड सोनार से। हॉलमार्क है तो सोना है।
GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ में अत्याधुनिक तकनीक और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल लैब और आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन यूटी सलाहकार द्वारा किया गया। अत्याधुनिक तकनीक और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित उन्नत डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल लैब का उद्घाटन यूटी सलाहकार द्वारा किया गया। सुविधाओं को एक मौजूदा कमरे में नवीनीकरण के बाद जनता को समर्पित किया गया, जहां ये परीक्षण अब दैनिक आधार पर किए जा सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप समय का निदान हुआ और प्रतीक्षा समय कम हो गया है। इसके अलावा एक आइसोलेशन वार्ड का भी उद्घाटन किया गया है। पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर वरिंदर सैनी ने कहा कि पहले ये परीक्षण वैकल्पिक दिनों में एक ही कमरे में आयोजित किए जाते थे। आइसोलेशन वार्ड का आज इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें जो एक आइडियल आइसोलेशन वार्ड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसमें एयर एक्सचेंज पर आवर जितने होने चाहिए, बेड टू बेड डिस्टेंस जो एक रिकमेंडेड है, बेड्स की पोजीशन जो है, ये सारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये वार्ड मीट करता है। तो इसमें हम बिना किसी क्रॉस इन्फेक्शन के डर के इस तरह के पेशेंट्स को रख सकते हैं। और जो दूसरी लैब्स हैं उसमें जो पहले हमारी एक ही लैब होती थी और उसमें सब तरह के टेस्ट होते थे, तो उसमें पेशेंट्स का वेटिंग टाइम जो था वो ज़्यादा था। तो अब हर अलग प्रोसीजर के लिए अलग रूम है, तो एक दिन में एक से ज़्यादा प्रोसीजर हम कर पाएंगे और पेशेंट्स का वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। इनमें प्रति घंटे 12 से अधिक वायु विनिमय, बिस्तरों के बीच पर्याप्त दूरी, पर्याप्त धूप और दूसरों के लिए गैर संक्रामक बनाने के लिए हवा को फिल्टर करना शामिल है। इन सभी का उद्देश्य संक्रमण के जोखिम को कम करना है। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, सोलाने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। चल भाई, बात मतलब तो बात। आज तो शादी पे जाना है। बड़ा जच रही हो आंटी आज तो। ये देख, ये हार ना मेरा बेटा लाया है दुबई से। पर हॉलमार्क के निशान वाला अगर वो यहीं से लेता तो भी शुद्ध सोना मिलता। हाँ, तुझे बड़ा पता है। सबको पता है, सिर्फ हॉलमार्क देता है शुद्ध सोने की गारंटी। हॉलमार्क है तो सोना है। पंचकुला के सेक्टर 1 में एक्सपोर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग विषय पर एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को निर्यात एवं डिजिटल मार्केटिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग विषय पर एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सेमिनार पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात के अवसरों, निर्यातकों के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें इस सेमिनार में आकर विदेशी व्यापार संबंधी बहुत सी शंकाओं का निवारण मिला है। हरियाणा में अभी 6 लाख MSME इकाइयां हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं जिनमें कि एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है, लेकिन MSME जनरली इस बात से चिंतित रहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, हम किस एजेंसी से बात करें, हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, किस कंट्री में कितना टैक्स लगता है। इन सब
शंकाओं को दूर करने के लिए और सभी एक्सपोर्ट से संबंधित सभी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमने आज का प्रोग्राम का आयोजन किया है। हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दिल्ली से लोगों को आमंत्रित किया है, ECGC चंडीगढ़ से लोग आए हैं जो कि बता रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट का जो पैसा है उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, कैसे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। DGFT ने अपना स्कीम्स के बारे में बताया है, लुधियाना से आए हैं कि रोड टैप स्कीम क्या है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन क्या है, मतलब किस एक्सपोर्ट करने में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं उसके ऊपर पूरा केंद्रित था आज का प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि G20 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MSME का मुद्दा उठाया और ये बताया गया कि MSME को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जोड़ा जाए और इनको इनकी जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए इनको पैसा मुहैया कराया जाए। तो भारत की MSME इकाइयों में बहुत ही सामर्थ्य है और एक्सपोर्ट जो हमारा 767 बिलियन रहा लास्ट ईयर में, इस चल रहे हैं नेगेटिव लिस्ट ऑफ इम्पोर्ट आई है और PLI जो स्कीम है, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं, तो हर तरह से MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करके हमारे देश के लिए वो विदेशी मुद्रा का सृजन कर सके। सेमिनार है, ये बहुत ही अच्छा है। हम जैसे जो MSME हैं, एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल माइक्रो आते हैं, एक्सपोर्ट करने से घबराते थे, आज हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है इस बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज हुई है और जैम सर्टिफिकेशन के बारे में पता लगा है, जेड सर्टिफिकेशन के बारे में पता लगा है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं DGFT के बारे में जो चीज़ हमें नहीं पता थी वो चीज़ें भी हमें पता लगी है। तो ऐसे ऐसे सेमिनार्स होते रहने चाहिए MSME के थ्रू। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में स्थित पंजाब कला भवन में माधवी कटारिया ने अपने पहले काव्य संग्रह को रिलीज किया। इस काव्य संग्रह का नाम है अनदेखती आंखें। इस मौके पर कई नामजद हस्तियों के साथ साथ ट्राई सिटी के बुक लवर्स भी मौजूद रहे। माधवी कटारिया के पहले काव्य संग्रह अनदेखती आंखों को पंजाब कला भवन चंडीगढ़ में रिलीज किया गया। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियों के साथ साथ ट्राई सिटी के बुक लवर्स ने भी मौजूदगी रखी। प्रोग्राम दे विच बहुत ही सूखम शब्दों के जादूगर जो इत्थे इकट्ठे हुए ने, मैनू लगता है कि उन्हां दे सामने बोलना मेरे लिए भी एक चैलेंज बन गया। सब तो पहला मैं मुबारकबाद देवांगी मैडम माधवी नूं, क्योंकि मैनू भी नहीं पता सी कि मैडम एक राइटर ने। मैं तो इन्हों नूं एज एन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मेरा डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, तो एज एन ऑफिसर इन्हों नूं विचरदे देखिया सी। सो उस तो बाद एक नवा इन्हों की शख्सियत का रूप जिहड़ा मैनू एक दो दिन पहले ही सामने आया, बहुत वधिया लग्या। बहुत बहुत मुबारक मैडम। ये जो टाइटल है किताब का अनदेखती आंखें, ये अपने आप में बहुत कहने वाला, बहुत बोलने वाला टाइटल है। और मैं जब ये कविताएं पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था रूमी का एक कोट कि कम इन टू माई आईज एंड लुक एट मी थ्रू देम, for I have chosen a home far beyond what I can see। और इससे पहले, भूमि को समझने से पहले, गुलजार साहब ने हमारी जनरेशन को बड़ा गुमराह किया कहते कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, और अरसे तक हम लोग सोचते रहे कि वो खुशबू दिखेगी, तो जब बड़े हुए तब समझ आया कि नहीं, दिखती नहीं है, महसूस करनी पड़ती है। जब हम इस किताब को खोलते हैं और
इसका आम मुख्य यानी जो प्रीफेस पढ़ते हैं उसकी तीन लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। यहाँ माधवी की कई कविताओं की कोमल उदासी के पीछे ऐसे कई लफ्ज हैं जो किसी जैन मुनि के पैर छल नहीं कर सकते हैं, यदि गौ पर चले तो। A very energetic, creative individual is Madhvi. And ever since I've known her, she's always been talking about theater, about philosophy, about life, about books. And it is no surprise to me that today so many people have gathered to listen to her, to watch this book release, to listen to us. And basically it is your goodwill which has brought them here. The poetry is quite effusive, quite flowing. It is something to do with life. वो लाइफ जो है वो जर्नी है, वो साथ ही चल रही है ना, वो तो कहीं रिटायरमेंट की वेट नहीं कर रही। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सारे एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट करके फिर एक दिन हम उसके बारे में बात करें या लिखें। तो साथ ही साथ ही लिखना और बोलना बनता है, क्योंकि जब हम उसको जी रहे हैं उसी वक्त हम उसको पी रहे हैं, उसी वक्त हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो माधवी, माय कांग्रेचुलेशंस फॉर द बुक। And I was lucky enough to write a piece which is basically titled "The Government is the Biggest Entertainer in the World." If you look at the government little from the outside, जैसे मैं हूँ आजकल, तो बहुत कुछ पता चलता है कि government में कितनी funny चीजें हो रही होती हैं। और जब हम उसके अंदर होते हैं तो हम बड़े मतलब ताबेदार टाइप होते हैं कि ये तो मतलब ये तो साहब ने कहा है, मैडम ने कहा है। लेकिन जब थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर लें, डिस्टेंस कर लें, तो हमें पता चलता है, फिर हम लिख सकते हैं। तो वो जब आप लिखेंगे तो रिटायरमेंट के बाद ह्यूमरस वाली, लेकिन सोच सकते हैं, अभी सोचने में कोई मनाही नहीं है। तालियों की बात से याद आया कि एक बार किसी विदेश यात्रा के दौरान तालियों के बारे में जिक्र चला तो वहाँ देखा कि तालियां नहीं बज रही, तो सवाल किया कि तालियां क्यों नहीं बजती। तो जवाब मिला कि हमारे मुल्क में तालियां सिर्फ शैतानों को भगाने के लिए ही इस्तेमाल होती है। कविता के बारे में अक्सर जो आजकल क्रिटिक हैं, कविता मर रही है, कविता पोइट्री इज डाइंग। तो ये जो डेक्लेरेशन था, डाइंग डेक्लेरेशन वाला, उस डेक्लेरेशन को अगर गलत साबित किया तो ये पात्र जी ने और उनके समकालीनों ने, और अब ये माधवी वही काम कर रही हैं। माधवी की कविताएं पढ़ने के बाद लगता है कि इसमें आदमी खुद से भी रूबरू होता है, अंतर्मुखी भी होता है, और कुछ ना कह सकने वाली जो स्थिति है उससे उबरता भी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूँगा कि इन कविताओं में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नवीन बोध देता है हमारे एहसास को भी, और बात कहने का एक सलीका, एक अनूठा सलीका ये कविता में जो प्रस्तुत किया है माधवी ने, मैं समझता हूँ कि इसको अनवरत चलना चाहिए और इसको रोकिएगा मत। और आप इन कविताओं को समेट कर घर में न बैठ जाइए, इनको और दूसरे संकलन के रूप में ले आइए। अनदेखती आंखें, तो मैं जो इस नाम नूं पढ़िया तो मैनू इधर चीज़ें कुछ याद आई हैं कि सुल्तान बाहू सूफी पोइट है, तो वो कहते कि मैं अपने मुर्शिद नूं देखदा तो मेरिया यह अखा नहीं देख रही, लू लू दे मुड सौ सौ चश्मा, कि मेरा रोम रोम ही अख बनया हुआ, कि मेरा हरेक रोम दे विच एक अख है। मैं पिछले दिन एक नावल का अनुवाद पढ़िया, अन्ना संगीतकार, कि ब्लाइंड है पर म्यूजिशियन है, तो उसके जुड़े जो उसके बयान ने, जो वो जिस तरह के वो हवा नू भी देख रहा जिहड़ी असीं नहीं देख रहे क्योंकि वह अंधा, और वो जी सेंसिटिविटी है चीज़ा प्रति, वो साउंड नू भी देख रहा कि साउंड भी उन्होंने दिस रही है। सो कि इस तरह की शिद्दत मैंने इस नाम दे विच महसूस हुई कि जिस तरह एक असी चीज़ अख ना देख रहे हैं, एक असी महसूस करते अखा। माधवी प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ संवेदनशील कवि भी है, इसका अंदाज़ा उनकी किताब के टाइटल से ही लग जाता है। 80 कविताओं में उन्होंने अपने इर्द गिर्द घटती घटनाओं और उन्हें देखते अनदेखते आए भावों को सामने रखते हुए कविताएं लिखी हैं।
शब्दों से, लिटरेचर से शुरू से ही मेरी बहुत ही कुर्बत रही है। और लैंग्वेजेस, हालांकि मैं हिंदी की सिर्फ 10वीं क्लास तक छात्रा रही हूँ, लेकिन हिंदी से मुझे प्रेम है और हिंदी को ही मैंने अपना माध्यम चुना। इन कविताओं में प्रेम की कविता है, उपस्थिति की कविता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी कि अस्तित्व का संकट, वो कविताएं हैं। कुछ सामाजिक सरोकार की कविताएं हैं, सोशल जस्टिस के लिए, अन्याय के खिलाफ, बराबरी के समाज के लिए, और कुल मिला के पर्यावरण के की संवेदना की कविताएं हैं। तो कुल मिला के बस लिखने का कुछ प्रयास चलता रहा, प्रयास भी नहीं, अपने आप ही कविताएं आ जाती हैं। और फिर बस सब दोस्तों ने मिलके कहा कि नहीं, उनको सराहा और कहा कि नहीं, इसको एक किताब के रूप में छापा जाए। तो सभी के आग्रह और स्नेह के चलते ये किताब आज रिलीज़ कर रहे हैं सुरजीत पात्र जी। और मैं चाहूँगी कि आप भी इस किताब के साथ जुड़ें, क्योंकि जब भी कोई लेखक जो लिखता है, कवि लिखता है, वो तो अपने नज़रिए से लिखता है, और जो पाठक हैं, दरअसल जब ये पाठक के हाथ में चली जाती है तो पाठक ही बादशाह होता है और वो अपने ढंग से इसे जैसे चाहे इंटरप्रेट कर सकता है। मैं जानती हूँ कि हर कविता से हर व्यक्ति अपने अनुभव और अपने हिसाब से जुड़ेगा, तो मुझे आशा है कि आपको ये कविताएँ पसंद आएंगी और आप इन कविताओं के साथ जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चंडीगढ़ आजकल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क चंडीगढ़। चल भाई। चलो आंटी। बड़ा बाजार। बड़ा बाजार? हाँ, सोने के कंगन खरीदने। तो यहीं से ले लो। हाँ हाँ, हॉलमार्क की गारंटी का सोना तू ही तो देगा। तू सुनार दे देगा, सिर्फ 35 रुपए लगते हैं। सच्ची? उच्ची। सच्चे सोने की गारंटी के लिए हॉलमार्क जरूरी है सिर्फ 35 रुपए पर पीस में किसी भी BIS रजिस्टर्ड सोनार से। हॉलमार्क है तो सोना है। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? सोलाने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो, बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है।